कोटा में एक बुजुर्ग की मौत के बाद जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है और पुलिस ने नेहरू नगर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी नेहरू नगर पहुंची और मृतक के परिजनों और आसपास रहने वाले लोगों को आइसोलेट किया, साथ ही जांच के लिए सैंपल भी लिए हैं। कोटा में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आने के बाद अब लगातार चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन सहित नगर निगम की टीम भी लगातार मुस्तैद हो चुकी है। इस समय मैं खड़ा हूँ स्टेशन इलाके के तेलघर में और आप देख लीजिए पूरी तरह से यहाँ पे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे पूरी किट के साथ यहाँ मौजूद है और लगातार जो लोग आसपास के जो घर थे उनको लगातार यहाँ पे आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और उसकी जाँच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसके लिए भी प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर लगातार लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। सर, हम लोग हर एक घर के अंदर जा कर के जो भी हमें ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या फिर ये जो पेशेंट निकला है इसके कॉन्टेक्ट के अंदर आए हैं उन सभी के हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं और अगर हमें लगता है कि इसका सैंपल की जरूरत पड़ रही है तो हम लोग उसके लिए कोरोना का सैंपल ले रहे हैं, माउथ स्वैब ले रहे हैं और उसके हिसाब से आगे का अगर उसमें रिपोर्ट में कुछ आता है तो उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग है हमारी। सर, स्वास्थ्य विभाग के कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि पूरा इलाका यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरे इलाके को यहाँ पे कर्फ्यू कर दिया गया है, पूरे इलाके में स्क्रीनिंग का काम किया जाएगा, आइसोलेट किए जाएंगे लोगों को, कितनी टीमें यहाँ मौजूद हैं? सर, अभी तो हमारी माइक्रोबायोलॉजी टीम और हम लोग CMHO से यहाँ पे हैं, बाकी एक अलग से सर ने जो प्लानिंग बनाई हुई है उस टीम के अकॉर्डिंग से टाइम टू टाइम लोग आके यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा एक चुनौती बन गई है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि एक कोरोना पॉजिटिव की डेथ के बाद जिस तरह से यहाँ पे लोगों का आइसोलेट किया जा रहा है, परिवार के लोगों को, इलाके के लोगों का आइसोलेट किया जा रहा है, तो एक चुनौती भी सामने आई है, लेकिन इसका डटकर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार इसका सामना कर रही है। कोशिश ये की जा रही है कि आगे इस तरह की कोई दुविधा ना हो और आगे इस तरह का कोई मरीज सामने ना आए जिससे लोगों को परेशानी हो। सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज और कैमरा पर्सन दीपक के साथ योगेंद्र महावर, A1 TV कोटा।